गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास का जीव विज्ञान, है ना। 10th क्लास के जीव विज्ञान में आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़नी है, और ये 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ चैप्टर है आवर एनवायरमेंट, और सिक्स चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो 6 चैप्टर हैं, तो केवल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के ख्याल से ही नहीं, आप जो जनरल साइंस अगले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। बगैर इन चैप्टर के जनरल साइंस की जो तैयारी होती है ना, वो अधूरी होगी। तो आइए हम लोग इस ढंग से तैयारी करें कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, और हमारे इसके साथ साथ हमारे अगले कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो। और एक रिक्वेस्ट और है कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, है ना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, इसलिए कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आए डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जो है इसमें दो वर्ड है, पहला है जैव, दूसरा है प्रक्रम। तो जैव के मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जैव मीन्स क्या, जीवों से संबंधित, कोई दिक्कत नहीं। और प्रक्रम मीन्स क्या होता है, प्रक्रियाएं। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या हुआ, जीवों से संबंधित प्रक्रियाएं। तो जीवों से संबंधित कैसी प्रक्रियाएं, तो जीवों से संबंधित ऐसी प्रक्रियाएं जो उनके शरीर के अंदर होती हैं। तो शरीर के अंदर होती हैं तो क्या करती हैं, तो वो प्रक्रियाएं जो शरीर के अंदर होती हैं, जीवों के शरीर का के मरम्मत संबंधी कार्य और उस जीव को जिंदा रखने में मदद करती हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत हो गया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम जीवों के शरीर के अंदर होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो किसी जीवों के शरीर के मरम्मत और उसको जिंदा रखने में मदद करती हैं, वैसी प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा लाग लपेट नहीं करना है, सीधे बोल देना है कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर की मरम्मत संबंधी कार्यों को करते हुए हमको जिंदा रखने में मदद करती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो प्रक्रम कहलाती हैं। अब आपसे कोई बोले कि उदाहरण भाई दो, तो आपको 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत उदाहरण देंगे। और क्या बोलेंगे कि उनमें से एक है न्यूट्रिशन, बोलोगे ना, थोड़ा भी नहीं सोचना है, आप तुरंत बोलोगे उनमें से एक है न्यूट्रिशन, उसमें से दूसरा है रेस्पिरेशन, है ना, उसमें से तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसमें से चौथा है क्या, एक्सक्रेशन, उसमें से पांचवा है क्या, रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, अब आप बताओ क्या इनमें से किसी एक के बगैर कोई जीव जिंदा रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है ना। जैसे न्यूट्रिशन क्या है, पोषण, रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, परिवहन, एक्सक्रेशन क्या है, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन। हाँ, इनमें से एक जो ये प्रजनन है, इसके अलावा दूसरे भी हैं जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना। तो बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं और किसी भी जीव के शरीर के अंदर होती हैं और उसको जिंदा रखने में मदद करती हैं। उनमें से एक है क्या, रिप्रोडक्शन, है ना। इसको हम लोग सही अर्थ में जैव प्रक्रम नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कोई जीव यदि रिप्रोडक्शन ना करे, है ना, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। तो मान लो कि कोई जीव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता, हाँ जिंदा रह सकता है। तो रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन उसकी एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, उसके जाति की, उसके स्पेसीज की एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ना।
तो मान लो कि जैसे अगला ये है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। अब कोई पूछे कि पोषण के बगैर कोई जिंदा रह सकता है, तो कभी नहीं रह सकता है। पोषण मीन्स क्या, पोषण मीन्स आप ये नहीं समझना ना कि भोजन को शरीर के अंदर ले लेना ही पोषण कहलाता है, ऐसा नहीं है। पोषण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर लेना, उसको पचाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। इन सारी प्रक्रियाओं को मिला करके हम लोग पोषण कहते हैं। तो अब आप बताओ कि पोषण के बगैर कोई एक दिन, 15 दिन, 1 महीना जिंदा रह सकता है, उसके बाद क्या रह सकता है? नहीं रह सकता है, है ना। किसी भी जीव के लिए, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे वो बड़ा जीव हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कम्प्लेक्स हो, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है। सेकंड है रेस्पिरेशन। पोषण के बगैर तो हम लोग कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के बगैर, श्वसन के बगैर हम कोई जीव जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है, है ना। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जिसके जो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जरूरी है, है ना। अगला है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। जितने भी बड़े और कम्प्लेक्स जीव होते हैं ना, उनमें पदार्थों को शरीर के अंदर, पदार्थों का आवागमन एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने और ले आने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, है ना। जैसे मान लो कि श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? लंग्स को जाता है, है ना। लंग्स से उसे कौन पिकअप करता है? लंग्स से उसे इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, परिवहन तंत्र का ब्लड उसे पिकअप कर लेता है और ले जाकर कहाँ ले जाता है? ले जाता है उसे कोशिकाओं तक, कोशिका में ले जाकर के छोड़ देता है। फिर कोशिका में क्या होता है, CO2 बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। उस बाई प्रोडक्ट को क्या करता है, लंग्स तक लाता है और छोड़ देता है, उसे हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ले जाने, कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम एक किया ना सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो वो क्या होता है, यदि सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए ये भी जरूरी है। अगला है क्या, एक्सक्रेशन। शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, और उन उपापचयी क्रियाओं के कारण क्या होता है, बहुत से नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं, है ना। और ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, यदि शरीर में डिपॉजिट होने लगे तो क्या होता है, दोज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हार्मफुल फॉर द बॉडी, वो क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, उसी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर एलिमिनेट करता है, एक्सक्रेट कर बाहर निकालता है। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, किसी भी जीव को जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इन सबको डिटेल्स में, न्यूट्रिशन, पहले हम लोग न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है डिटेल्स में, है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों में पोषण, उसके बाद पौधों में पोषण, उसके बाद जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो इसके बाद लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग डिटेल्स में आगे देखते जाएंगे। ओके, थैंक्स।